नमो नमः। तदत्र अस्माभिः साहित्यदर्पण से तृतीय परिच्छेदि विश्वनाथ कविराजेन यह रसास्वादन प्रकारः विमृष्टः सः विमृश्यते। तदस्मिन् प्रसंगे तत्र पूर्वपक्षस्य आशंका यत् यदि रसः आनन्दस्वरूपकः तर्हि दुःखप्रधानकः यः करुणरसः तस्मात् कथं रसस्य आस्वादनं भवति, नाम आनन्दस्वरूपस्य रसस्य आस्वादनं क्रियते, अर्थात् आनन्दस्य अनुभूतिः कथं भवति दुःखप्रधानेभ्यः काव्यनाटेभ्यः यथा रामायणादिभ्यः। तत्सर्वं संयुक्तिकं विश्वनाथेन कविराजेन खंडितं। तदिदानीं पुनः यथा पूर्वपक्षः कथयति दुःखकारणेभ्यः सुखोत्पत्ति कथम् उच्यते, तदस्याः समस्यायाः जिज्ञासायाः शङ्कायाः समाधानार्थं तत्र आचार्य विश्वनाथः ब्रूणति। तो जब पूर्वपक्ष इस प्रकार का प्रश्न उठाता है, वह इस प्रकार की जिज्ञासा करता है कि दुख के कारणों से सुख की उत्पत्ति कैसी हो रही है, तब विश्वनाथ कविराज कहते हैं, हेतुत्वं सुखहर्षादे अर्गतेभ्यः लोकसंश्रया सुखहर्षादयः लोके जायन्तां नामलौकिका अलौकिक विभावत्वं प्राप्तेभ्यो काव्य संश्रया सुखम संजायते तेभ्य सर्वेभ्योपीति का क्षति। तत्र विश्वनाथ कथयति शोकहर्षादि गतेभ्य लोक संश्रयात् हेतुत्वं वा लोकहर्षात् लोक संश्रया शोकहर्षादेः गतेभ्यः दुःखकारणेभ्यः हेतुत्वं शोकहर्षादयः लोके जायन्तं नाम ते लौकिकाः। अर्थात वो कह रहे हैं जब लोक इस संसार में संसार के आश्रय करने के कारण सांसारिक जो जड़ जड़ हो चाहे चेतन हो किसी भी हो, जड़ में तो कहाँ होगा दुख की अनुभूति, चेतन पदार्थ है, लेकिन संसार में लोक में शोक माने दुख, हर्ष माने खुशी प्रसन्नता, इनको आश्रय करने वाले जो पदार्थों से व विभाव आदियों से कारण से, विभाव क्या कहेंगे वहाँ तो विभाव शब्द प्रयोग नहीं कर सकते लोक में, वो कारण कार्य आदि से कारण आदि के हेतुत्वम जो कारणत्व होने के कारण तब शोक हर्ष आदय शोक और हर्ष आदि संसार में लोक में तो भले ही शोक हर्ष आदि उत्पन्न हो सकते हैं, शोक और हर्ष आदि कारणों से शोक और हर्ष की उत्पत्ति हो सकती है संसार में, क्योंकि वो लौकिक है। दुख के कारणभूत जो हैं वो लोक को आश्रय करने के कारण उस दुख के कारणभूत या सुख के कारणभूत तथ्यों से दुख और सुख की उत्पत्ति हो सकती है संसार में। जैसे कोई संसार में किसी का कोई नुकसान हो गया, कोई आर्थिक हानि हुई, कोई जनहानि हुई, जिसकी हुई उसको दुख होगा, क्योंकि लोक है, संसार है, दुनिया है, हड्डी मांस का शरीर है, पंच इंद्रियाँ हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, तो उनको तो दुख से दुख की अनुभूति होगी और सुख से सुख की अनुभूति होगी, बिल्कुल तथ्यात्मक तथ्य है। परंतु अलौकिक विभावत्वं प्राप्तेभ्यः काव्य संश्रया सुखम संजयते तेभ्यः सर्वे विपीत काक्षति काव्य संश्रया
पर वहीं लोक के स्थान पर अगर काव्य को आश्रय कर ले, वही दुख आदि सुख आदि माने विभाव आदि कारण बन जाते हैं, तब अलौकिक विभावत्वम प्राप्ति भी अलौकिक विभाव आदि शब्द को आश्रय करने वाले उन कारणों से जो दुख आदि शब्द में कथित हो रहे थे वो माने जो कि शोक हर्ष आदि माध्यम से कहे जाते थे, कारण कार्य सहकारी भाव कहलाते थे, वो विभाव आदि शब्द में परिवर्तित हो जाते, विभाव अनुभव विचारी भाव या संचारी भाव। तो सर्वेभ्य उन सभी विभाव अनुभव संचारी भाव जो अलौकिक काव्य को तत्व को प्राप्त करने के कारण उनसे तेभ्य सुखम संजायते, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, सभी से सुख की उत्पत्ति होती है। इति का क्षति है, इसमें कौन सा नुकसान है, क्योंकि अलौकिक है, लोक में जैसा है जिस रूप का तथ्य है उस रूप के तथ्य से उसी रूप की अनुभूति होगी, पर लोक से बाहर जब हो जाता है, जब काव्य में आश्रय कर लेता है, काव्य के अलौकिक तत्व है, अलौकिक बात जब आ जाती है तब सुख दुख भले ही कारणभूत सुख हो या दुख हो तो सभी से सुख की उत्पत्ति होगी, दुख की उत्पत्ति होगी नहीं। इसको समझा रहे हैं भक्ति के माध्यम से, ये खलु राम बनावासादय लोके दुख करणानि इति उच्यन्ते, तएव काव्य नाटक समर्पिता वा काव्य नाट्य समर्पिता अलोक विभावन व्यापार तया कारण शब्द वाच्यतम विहाय अलोक विभाव शब्द वाच्यत्वं भजन्ते। जो राम वनवासादय, जैसे रामायण में जो राम का वनवास हुआ, राम जंगल के लिए चले गए, ये लौकिक बात, जब वहाँ इतिहास की घटना को हम देखेंगे, जब वास्तविक रामायण की बात हम देखेंगे, कथा को देखेंगे, अभी सहृदय सामाजिक के रूप में हम नहीं देखे, उस समय की जो घटना है, जो पात्र थे उनकी बात है, जो लोक में संसार में जब दशरथ की प्रतिज्ञा को सिरोधार्य करके रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल को चले जाते हैं, तब उससे उस दुख से दुख के कारण से दशरथ को दुख का अनुभव हुआ, पर दशरथ के हृदय दुख से दुखित हो गया, क्योंकि लौकिक दुख से लौकिक हृदय दुखित हो जाने से वहाँ हृदयाघात के फलस्वरूप दशरथ दिवंगत हो गए, उनके दुख से दुख की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वह दुख लोक था, वह दुख का कारण जो लोक था और वो अनुभूति होने वाला जिसको हुआ है वो भी लोक में लौकिक है, तो लौकिक दुख से लौकिक दुख की उत्पत्ति हुई है। और वही जब रामायण की कथा वस्तु जब बाद में सहृदय सामाजिक के द्वारा उसको पढ़ा जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, तब यानी काव्य नाट्य के रूप में जब आ जाते हैं वो कथा वस्तु, जब काव्य नाट्य के रूप में समर्पित हो गए, तो वो राम जंगल में गए, इसको कोई सहृदय सामाजिक चाहे नाट्य रूप में देख रहा हो चाहे श्रव्य काव्य के रूप में उस कथा वस्तु को सुन रहा हो, श्रवण कर रहा हो, लेकिन उसके हृदय में जो आस्वादन हो रहा है तब अलौकिक तथ्य के रूप में वहाँ उपस्थित हो रहा है, अलौकिक वह कारण शब्द नहीं है, वो कारण शब्द परित्यक्त हो जाता है, जो दुख का कारण था वो विभाव अन्य व्यापार के कारण, अलौकिक विभाव अन्य व्यापार के कारण, कारण शब्द वाच्य को छोड़ करके अलौकिक विभाव शब्द वाच्य तुम भजनते, अलौकिक विभाव शब्द हो गया, जो आलम्बन विभाव हुआ ये आलम्बन विभाव के रूप में अलौकिक शब्द के रूप में आया यह कि महाकारण के रूप में रहा, कि दशरथ की मृत्यु का कारण जो था वो राम का वनवास, इस प्रकार राम का वनवास या कारण नहीं विभाव शब्द के रूप में हो गया। तेभ्यश्च और उन विभावादि अलौकिक शब्दों से अलौकिक हेतु से सूरते दंतघातादिभ्य
सूरत मने रति कर्म। जब मैथुन प्रक्रिया चल रही हो, पुरुष स्त्री का शारीरिक संबंध हो रहा हो, तो उस संबंध के समय दंतघात आदि भी सिर दंतघात आदि दांत से ओष्ठ का छेदन किया जाना या नाखून कराग्र से नाखून से किसी विशेष अंग का कट जाना खट जाना, तो उस समय उससे जैसे सुख में वो जाए थे सुख की उत्पत्ति होती है। दोनों नायक नायिका को नायक नायिका तो वहाँ नहीं कहेंगे, तो लौकिक में पुरुष और स्त्री दोनों को जैसे सुख की उत्पत्ति होती है, दुख कष्ट अनुभव नहीं होता, और उस जो श्रृंगार रस को उनकी जो रति को और बढ़ाने के कारण बनता है दंत क्षतन नख क्षत आदि। तो उसी प्रकार यहाँ विभाव आदि जो दुख के परे कारण हो लोकनी अलौकिक शब्द के होने के कारण उससे क्या होता है न सौद सामाजिक को आनंद की अनुभूति होती है और रस की निष्पत्ति और अधिक होती है, रस का आस्वादन और ज़्यादा होता है और आनंद की आपति अवाप्ति होती है। अतश्च लौकिक सब शोक हर्षादि कारणेभ्य लौकिक शोक और हर्ष आदि कारणों से लौकिक शोक हर्षादा लौकिक शोक हर्षाद जयंते लौकिक शोक हर्षादि की उत्पत्ति होती है। लौकिकेभ्य शोक हर्षादिभ्य लौकिक शोक हर्षादीनाम उत्पत्ति होती है, परंतु काव्य नाट्येषु तत्र अलौकिक विभावानादि विभावादिभ्य तत्र दुखेभ्य सुखेभ्यश्च सर्वेभ्य तत्र सुखावाप्ति अर्थात यहाँ आनंदावाप्ति भवति न च दुःखस्य अवाप्ति। काव्य पुनः काव्य में तो सर्वे भी अपि विभावादिभ्य सुखमे बजायते, काव्य में तो सभी विभावों से चाहे वो सुख का कारण हो चाहे दुख का कारण हो सभी से सुख की उत्पत्ति होती। इति नियमा न कश्चित दोष, इति नियम से कश्चित दोष कोई दोष नहीं है, न कोपि तत्र अपराध न कोपि तत्र न कापि विसंगति न कापि क्षति इति विश्वनाथ कविराजस्य अभिमतम। विश्वनाथ कविराज का ये अभिमत है, ये विचार है, ये चिंतन है, ये मनन है कि सहृदय सामाजिक को दुख हो दुख का कारण हो चाहे सुख का कारण हो, ये अलौकिक विभाव आदि होने के कारण अलौकिक विभाव शब्द को प्राप्त करने के कारण अलौकिकता के कारण तो वहाँ सभी चाहे दुख हो चाहे सुख का कारण हो सभी से आनंद की आपत्ति होती अवाप्ति होती दुख की नहीं। भले दशरथ की जो मृत्यु हो गई वहाँ रामचंद्र के वनगमन पर, तो वहाँ सहृदय सामाजिक जब उसको मनन चिंतन करता है तब उसकी हृदय को दुख की अनुभूति नहीं होती, दुख का अनुभव नहीं होता उसके हृदय को, अपितु आनंद का अनुभव होता है। कथम फिर पूर्व पक्ष करा कथम तरी फिर कैसे हरिश्चंद्रादि चरितस्य काव्य नाट्योरपि, हरिश्चंद्र चरितादि काव्य नाट्य से भी दर्शन श्रवणाभ्यम दर्शन देखने से श्रवण से अश्रुपाता देह जयंती अश्रुपातादि आंसू बहना आदि होता है। इति उच्यन्ते भले चलो आप तो वहाँ लोक में बात कर दी लेकिन वही अलौकिक काव्य और नाट्य उसके श्रवण और दर्शन करने से सहृदय सामाजिकों की आंसू बहना होता है। जैसे कि हरिश्चंद्र का नाटक है, राजा हरिश्चंद्र जो कि इतने बड़े प्रतापी राजा थे जो इतने संपन्न थे उनको ये दशा होनी पड़ी, उनके पुत्र मर जाता है और उसकी स्त्री जा कर के वहाँ जब वो एक द्वारपा श्मशान घाट में रक्षक बनते हैं वह श्मशान रक्षी बनते और वहाँ उसकी पत्नी अपने बच्चे को लाकर वहाँ संस्कार के लिए दाह संस्कार करने के लाते हैं तो वहाँ लकड़ी आदि देने के लिए वो भी विवश होते हैं नहीं दे पाते तो कई बातें हैं तो उनको सारे वस्त्र संपत्ति सब हर देते हैं और उनको खाने पीने को मिलते नहीं मोहताज नहीं है, ऐसी समस्या जो उस नाटक को सुन करके राजा हरिश्चंद्र की दान भी हरिश्चंद्र की जो दुख कहानी सुनकर वहाँ सहृदय सामाजिकों के आंसू बहता है अश्रु पात होता है। यदि दुख की अनुभूति में तो फिर अश्रु कैसे बह रहा है आंसू कैसे बह रहा है। तब आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं इति उच्यते हाँ उसका जवाब हम देते अश्रुपातादेहस्तद्वद्रुतत्वा चेतसोमता भले अश्रुपातादेह आंसू आदि बहना अश्रुपात होना उसी प्रकार चेतसः द्रुतत्वात्मता चेत माने अंतकरण की द्रुतत्व माने पिघलने के कारण हो रहा है। भाई आनंद की अनुभूति जो होती है
वो हृदय का क्या होना, सहृदय सामाजिक होता है। क्यों ना, सहृदय सामाजिक का जो हृदय है वो जल्दी पिघलता है, वो पिघलने की वजह से अशुभ है। अब पिघलना दुख के कारण भी पिघलता और आनंद के कारण भी पिघलता। आप किसने कहा वहाँ दुख के वजह से वहाँ आंसू बह रहा हो, वहाँ सहृदय सामाजिक दुख के कारण आंसू नहीं बह रहा, उसको आनंद, दुख में भी आनंद की अनुभूति हो रही है। दुख के कारण होकर भी वहाँ विवाह आदि अलौकिक शब्द को कथित होने के कारण वहाँ आनंद के कारण उनके आंसुपात हो रहा है, क्योंकि दुख से भी आंसू बहता है और सुख से ही बहता है, क्योंकि दोनों स्थिति में हृदय का संप्रसारण होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब बहुत दिनों बाद ऐसी बड़ी विपत्ति समस्या के बाद जब कभी काव्य नाटक हम देखते हैं तो वहाँ नायक और नायिका का मिलन हो जाता है, या किसी माँ को अपना संतान मिल जाता है, क्या किसी भाई को अपनी बहन, या भाई भाई का संबंध बढ़िया हो जाता है, तो दुख के समय जब ये सुख होता है, अत्यंत स्थिति होती, तो वहाँ आंसू बहता है। आंसू क्यों बहता है, हम जब धरू धर सामाजिक देख रहा है उसका आंसू बह रहा है, क्योंकि संवेदनशीलता है। कोई भी बात हो, जब संवेदनशीलता के कारण हृदय का संप्रसारण हो जाना और उससे आंसू बहता, आंसू बहने का यही वैज्ञानिक कारण भी है कि हृदय पिघलता है, उससे आंसू के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है कि हृदय पिघल गया। हृदय जब तक नहीं पिघलेगा तब तक आंसू नहीं आएगा। आपने देखा होगा अत्यधिक दुख ठोस, जब कहीं किसी को एकदम आघात होता है वो रोता ही नहीं, तब उसके रुलाओ रुलाओ रुलाने से क्या होता, हृदय की ग्रंथियाँ खुल जाती है, उससे रक्त का प्रवाह होता है, फिर व्यक्ति का जीवन बच जाता है। अगर रक्त का प्रवाह नहीं हो, उसके आंसू रुक जाए, गला रुन जाए और रो नहीं पाए, तो हृदय कुंठित हो जाता, उसके जो संप्रसारण नहीं हो पाने के कारण माँ थक्का बन जाता है रक्त का, और फिर हार्ट अटैक हृदय का तो हो जाता, व्यक्ति मर जाता, या तो सिरा मस्तिष्क में कोई सिरा प्रसिरा में किसी प्रकार व्याघात हो जाता, जिससे कि मानसिक संतुलन खो बैठता, मनोरोगी हो जाता, इसीलिए उसको रुलाते हैं। या कोई हंसे या रोए, इस दोनों स्थिति में क्या होता है, हृदय का संप्रसारण होता। यही बात करें, अश्रुपाता रह तद्वत द्रुतत्व चितसोमता, ये अंतकरण का द्रुतत्व होना, पिघलना ही उसी वजह से आंसू बह रहा है, जिस प्रकार दुख के समय बहता है। तरी कथम काव्यतः सर्वेशा दृशी रसा विभक्ति न जायते, तो फिर काव्य को सुनने से, माने श्रव्य काव्य को सुनने से या दृश्य काव्य को देखने से सबकी, सभी व्यक्तियों की क्यों रसा विभक्ति ऐसी नहीं होती है, इत्यतः उसका जवाब भी देते हैं विश्वनाथ कविराज। कह रहे हैं न जायते तदास्वादो वीणा रत्यादि वासनाम, वासना च इदानींतनी प्राक्तनी च रसास्वादन हेतु, तत्र यदि आद्या न स्यात् तैरी तदा श्रोत्रीय जरन मीमांसकादीनामपि न स्यात्, यदि द्वितीया न स्यात् तदा यद् रागिणामपि केषाञ्चित् रसोद्बोधन दृश्यते तन्न स्यात्। न जायते रसास्वादो बिना रत्यादि वासना, रत्यादि वासना के बिना, वासना यानी संस्कार, रत्यादि जो श्रृंगार आदि के स्थायी भाव रति, आदि श्रृंगार का स्थायी भाव रति, करुणकार स्थायी भाव शोक, हास्य का हास आदि आदि, वीर का उत्साह, ही स्थायी भावों का संस्कार रत्यादि वासना के रूप में, संस्कार के रूप में अगर नहीं हो किसी के अंदर, तहिर उसको रस का आस्वादन नहीं होता है। इसलिए रत्यादि वासना किसके पास होता है, सहृदय सामाजिक के पास होता है, तो इसीलिए उसको रस का आस्वादन होता है, और जो सहृदय सामाजिक नहीं होता उसको रसास्वादन नहीं होता। और सहृदय सामाजिक क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि रत्यादि वासनाओं का उसमें अभाव होता है। वासना क्या है, न च इदानींतनी प्राक्तनी च रसास्वाद हेतु, सांप्रति की अभी की और प्राक्तनी पहले की रसास्वादन का कारण, या तो पहले कभी रसास्वादन किया हो पूर्व जन्म में, इसी जन्म में पूर्वावस्था में पहले, और इदानींतरी या अभी उसको अनुभूति हो रही है, दोनों रूप में वासना होनी चाहिए, अगर नहीं हो तो नहीं। तत्र आद्या, आद्या मानी इदानींतरी वासना न स्यात्, यदि न हो तदा, तब भाई इदानींतरी वासना अगर न स्यात् नहीं हो
तदा श्रोत्रिय जरण मीमांसकादीनामपि शिष्यात्। फिर श्रोत्रिय वेदनिष्ठ वृद्ध मीमांसकादियों को भी उस रसास्वादन हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है, उसको रसानुभूति नहीं होती, क्योंकि प्राक्त ये इदानींतनी संस्कार उनके पास नहीं है, भले पहले हो पूर्वजन्म में हो, लेकिन अभी इस जन्म में उन्होंने कभी रस का जो आस्वादन रूपी हेतु जो वासना है वो उनके पास नहीं है, वो वासना खत्म हो चुकी हो गई उनकी, जिसको वासना कहते हैं भाई अलग कामना वासना इच्छा, वो वासना या कामना उनके अंदर नहीं है। तो ये वासना आद्या इस प्रकार स्थिति हो जाएगी, और द्वितीय माने प्राक्तनी के बारे में बता रहे हैं, अगर द्वितीय नश्या अगर प्राक्तनी संस्कार न हो तदा यद रागिणाम अपि के संचित उद्बोध न दृश्यते तन्नश्या। जो रागी है अनुरागी तो है, विषय भोग के प्रति आसक्त तो है, लेकिन कभी कभी उनको भी रसोत्पत्ति नहीं हो पाती है, उनकी उनका प्राक्तनी वासना संस्कार नहीं है, पहले का संस्कार नहीं है, उसको विस्मृत हो चुके हैं, तो उनको भी रसानुभूति नहीं हो पाती। उक्तम च धर्मदत्तेन, इसलिए आचार्य धर्मदत्त ने कहा है सवासनानं सद्ध्यानं रसस्यास्वादनं भवेत् निर्वासनास्तुरंगंतः काष्ठकुड्यास्मसन्निवा। बोले सवासनानं सद्ध्यानं वासनायुक्त चाहे इदानींतनी हो चाहे प्राक्तनी हो, ऐसे जो संस्कार विशेष जिसकी वजह से रस का आस्वादन होता है, ऐसे वासना से युक्त सहृदय सामाजिकों को के लिए रसस्य आस्वादनम भवति, रस का आस्वादन होता है। निर्वासनास्तु, और जिनके अंदर वासनाएं नहीं है, जिनके पास वो संस्कार नहीं है, इदानींतनी हो चाहे प्राक्तनी हो, तो उन लोगों के लिए ये क्या होता है ना रंग का अंतःकरण माने चाहे नाटक का जो मंच है वो काष्ठ कुध्यास्म सन्निवा, रंग के अंदर होने वाला काष्ठ है ना सुखी लकड़ी कुर्सी टेबल चेयर कुड्य यानी जो कोई मूर्ति हो आसमा पत्थर इत्यादि की तरफ, कुड्यला भित्ति दीवार पत्थरों से बनाई गई दीवार और आसमान पत्थर के सदृश वो होते हैं, जैसे अवचेतन है पत्थर को कभी रस का आस्वादन होगा क्या, मिट्टी को आप या दीवार को कभी रस का आस्वादन हो, या वो लकड़ी को कभी रस का आस्वादन होगा, नहीं होगा, क्यों ना वो अवचेतन है, चेतन रहित है, चेतन उनके वासना नहीं है। तो उसी प्रकार अवचेतन की तरह ये वासना रहित कौन होते हैं, जो होते हैं उनको रस का आस्वादन नहीं होता, और सहृदय सामाजिक वासना से युक्त होते हैं, वो वासना नामक संस्कार उनके अंदर रहता है और उनको रस का आस्वादन होता है, ऐसा आचार्य धर्मदत्त ने कहा। इसलिए वासना होना बहुत जरूरी है, वासना माने रसास्वादन हेतुभूत जो संस्कार विशेष है जिसकी वजह से रस का आस्वादन होता है, वो होना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों आज हम यहीं विराम लेते हैं, पुनः आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।